में से रक्षा करने वाले शंकर एक है। हर एक बात दिल से कहता हूँ और बुरा मत मानना, क्षमा चाहता हूँ। जिन देवताओं की मृत्यु हुई है ना, वो मृत्यु में से रक्षा नहीं कर सकता। जो मृत्यु से परे है वही मृत्यु के मुख में से रक्षा कर सकते हैं। ये सनातन सत्य है और सत्यम सत्यम न संशय। शिव यहाँ ये कह रहे हैं, बंधे से बंधे मिलाड छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जो स्वयं मुक्त है दूसरों को मुक्ति प्रदान कर सकता है, स्वयं बंधे हुए हैं कैसे मुक्त कर सकते। मेरा शंकर मुक्ति का दाता है, मेरा महादेव सर्व बंधनों में से छुड़ाने वाला देव है। जुग बंधन ने जैल जीवड़ा तोड़वी मुश्किल छे, ये जुग बंधन ने जैल, ये चक्रवात हो रहा है। जन्म मृत्यु कहां तक, कहां लगा तक चलता रहेगा। साधु चलना सांझ सवार, कहां तक सांझ सवार। सवार हुई जन्म हुआ, सांझ पड़ी मृत्यु हो गई, और उगता हुआ सूर्य आपको मृत्यु का संदेश दे रहा है। कैसे, तो क्या अस्त होकर कोई बीज में से निकला हुआ अंकुर ये आपको कह रहा है कि धीरे 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 आप जीवन में अंकुरित होए और बड़ा वृक्ष, बड़ा पेड़ बनकर अंत में पानखर, और धीरे 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 बिखर, बाद में खत्म दुनिया। इसलिए जीवन को बहुत गंभीरता से, सूक्ष्म दृष्टि से यहां शिव जी ने कहा, जो मनुष्य स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो अपने मृत्यु की गति, मृत्यु का समय वो जान सकता है। सत्य है, सत्य 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 है। अतिशोक्ति हो तो क्षमा चाहता हूं, पहले आप कथा नहीं कहने चाहिए, तो भी एक सत्य घटना अभी भी उनके साक्ष्य। हमारे पिताजी के, उनके पिताजी जिनका नाम हीरागिरी जी, जीवन पर्यंत शिव साधना उपासना की, और उसने 3 दिन पहले कह दिया कि सबको बहन बेटियों को बुला लो, मुझे जाना है। और चलम लगाते थे पहले तो, ऐसे ही ऐसे ही महात्मा थे ने पकड़, ऐसे चलम लगाते थे, और सब लोग गांव वाले बोलने लगे कि उसको तो गांजा चढ़ गए इसीलिए बोल रहा है। नहीं नहीं, कुछ गांजा बांजा नहीं चढ़ा मुझे। अभी भी लोग उनकी समाधि प्रणाम करने के लिए आते हैं, कहीं कहीं लोग चलम धरते हैं। क्या गांजा सुखा लगाते थे महात्मा, फकीरी थे, फकीरे थे। और कहा शाम को सब भोजन कर लीजिए, मुझे सुबह में जाना है, अभी नहीं। सबको सोला दिया। ये सत्य घटना, अभी इस घटना के साक्षी बहुत सारे लोग जीवित हैं। ये दुनिया थी, अभी भी है। भगवान स्वामी ने पधारे कितने साल हुए, अभी हुए ना ये इस काल के है? उनके जीवन में जो इतनी घटना, ऐसे तो बहुत सारे ऋषि संत हमने देखे। ये महादेव की भक्ति का प्रभाव है। मैं दिल से कहता हूं, जो जितने रुआ रुआ चित चित लहू का कण कण महादेव को जितने अर्पण कर दिया, वो सब कुछ जान सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये शंकर जी का वचन है।